हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे यूपी टेट का जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का देख रहे थे, ठीक है। उसी में आज हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के जो हमारे सेकेंड शिफ्ट के 2018 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2019 का, फिर उसके बाद ऐसे ही सीरीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आज सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आज फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कि 14 + 31 एवं अन्य संख्या का औसत कितना है बेटा? 30 है, यानी कि तीनों का औसत हमारे पास कितनी संख्या है? 3, यानी कि तीसरी संख्या का अगर हम लोग मान लेते हैं x अगर है तो 14 + 31 + x। अब ये कह रहा है कि इनका औसत यानी तीनों संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 30 है, ठीक है। यानी कि तीनों संख्याओं का योग बटे में 3 अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे 14 + 31 + x बराबर कितना आ जाएगा? 90। 3 का गुणा 30 में करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 90। यानी कि यहाँ से इसको हम लोग देखो 4 × 5 = 3 × 4, यानी कि 45 + x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90। x बराबर अगर देखेंगे तो 90 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 45। और 45 ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 45। और 45 हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि एक व्यक्ति ए 90 मिनट में, कितने मिनट में बेटा? ए व्यक्ति हमारे पास कितने मिनट में काम करता है? 90 मिनट में, ठीक है। जबकि व्यक्ति बी वही काम को पूरा करने में 54 मिनट लगाता है। कितना मिनट? 54 मिनट। यानी कि बी कितना मिनट लगा रहा है? 54 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से दोनों एक साथ मिलकर के काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, इसी चीज को उसने पूछा, ठीक है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास 90 और 54 है इसका हम लोगों को क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। जो एलसीएम हम लोग लेते हैं यही क्या आता है हमारे पास? कुल काम आता है, यानी कि टोटल काम आता है। 90 और 54 का अगर हम लोग एलसीएम अगर लेते हैं ले अगर तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 5 × 24 = 5 × 9 = 45। अगर हम लोग 270 ले लेते हैं, यानी कि अगर देखिए 90 और 45 का 54 का कैसे हम लोग लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो 45 × 90 = 90, 27 × 9 = 54, 3 से काटेंगे 15 × 45 और 9 × 3 = 27, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो 1 और 5, यानी कि 5 से अगर काटेंगे तो 5, एक बार में काटते हैं, यानी कि इनका 3 × 6 = 18, 18 × 3 = 54, 54 में 5 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 54 में 5 का गुणा करेंगे, 5 × 2 = 20, 2 × 5 = 25, 2 × 27, यानी कि 270। 270 इसका क्या आ जाएगा? कुल काम। कुल काम कितना आएगा बेटा? 270। जो एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेने के बाद जो आता है वही क्या होता है बेटा? कुल काम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 270 में 90 से भाग देंगे। 270 में जब 90 से भाग देंगे तो 9 × 3 = 27, यानी कि 3 बार में कटेगा। और यही हमारा जो ए की जो इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता होगी कितनी यूनिट होगी बेटा? 3 यूनिट होगी। किसकी? ए की। उसी प्रकार से हम लोग बी का 54 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 बार अगर हम लोग 270 को 54 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा बेटा? 5 बार में, ठीक है। 5 बार में कटेगा, यानी कि ये बी की क्या हो गई? दक्षता, यानी कि क्षमता, यानी कि काम करने की क्षमता कितनी है? 5। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ मिलकर के काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, यानी कि ए की दक्षता कितनी? 5, 3, और बी की कितनी? 5, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 8 यूनिट, ठीक है, 8 इकाई। टोटल कितनी हो गई? 8 इकाई। और 8 इकाई यही काम कितने दिनों में करे? 270 दिनों। 270 टोटल काम कितना है? 270। अब एक यूनिट की बात अगर कर ली जाए, सॉरी, दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे? 8 यूनिट इनकी है। अब 8 से अगर हम लोग इसको भाग दे देंगे अगर, टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? 270 बटे में 8। 270 बटे में दोनों की क्षमता कितनी है? एक की कितनी है? 3 है। बी की कितनी है? 5 है। अगर 270 में अगर हम लोग 8 से अगर भाग कर दें तो दोनों दोनों कितना मिलकर के काम कर रहे हैं? एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं, ठीक।
अब ये कितना दिन लगेगा इस चीज को देखना है, यानी कि 8 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा बेटा, 8 त्रिका 24, 24 तीन 27, यानी कि 8 त्रिका 24 फिर से, और बचेगा कितना बेटा 4 बचेगा, ठीक है, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक, इतना मिनट। अब उसके बाद देखिए कि कितना बच रहा है, यानी कि 8 त्रिका 24 6 बचा है, यानी कि 6, ठीक है, 6 और 6 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि अगर इसको हम लोग 6 में अगर 60 से अगर गुणा कर दें तो उसके बाद हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2 चौको 8, 2 3 6, 4 से इसको काटेंगे 15 चौको 60, 15 3 45, यानी कि 33 मिनट और 45 सेकंड, यही हमारे दोनों मिलकर के जब काम को पूरा करेंगे तो 33 मिनट 45 सेकंड में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेटा आप लोगों को यहां पर समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखें, 33 को जब हम लोग यहां से इसको भाग दिए हैं 8 त्रिका 24, फिर उसके बाद कितना आ गया 6 और 24 3 27, यानी कि 30 यहां पर हो गया, फिर उसके बाद हम लोग 8 त्रिका 24 किए, कितना आ गया बेटा 24, यानी कि बचा कितना 6। अब 6 मिनट को हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे, सेकंड में, यानी कि 6 गुणे में 60 बटे में 8 कर देंगे, यानी कि 45 सेकंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा बेटा, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और भी आगे बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आइए बेटा अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए, और ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारे पास 2018 के ही सारे क्वेश्चन हैं, 2018 में ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, कौन सी संख्या अबाध्य संख्या नहीं है, ठीक, अबाध्य संख्या नहीं है का मतलब किसी और संख्या से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, यानी कि किसी और संख्या से क्या हो रहा होगा, कट जा रहा होगा, यानी कि बाध्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस यही है हमारे पास, कि जो अभाज्य संख्या की बात की जा रही है, अभाज्य संख्या केवल अपने से कटे, खुद की संख्या से, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, और सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होने का मतलब हो तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग जाने, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं बेटा वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और वन से कटे, यानी कि उसके कम से कम कितने फैक्टर हो, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, ठीक है। अगर जो किसी और संख्या से कट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि अगर हम लोग 101 को लेकर के देखें, 101001 को लेकर के देखें, अगर इसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं, एक से तो कट रहा है लेकिन दो से कट रहा है, तीन से, दो से भी नहीं कट रहा है, तीन से भी नहीं कट रहा है, चार से भी नहीं कटता है, पांच से भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर छह की बात करें तो छह से भी नहीं ये कटेगा, लेकिन सात की अगर बात करेंगे तो सात से क्या हो जाएगा, सात एकन्नम सात, सात एकन्नम सात और तीन आ जाएगा, ये कट गया, और यहाँ पर जीरो, सत चौको 28, और यहां से कितना आ जाएगा बेटा दो, और यहाँ पे कितना है एक, सत त्रिका 21। अगर देखें तो हमारे ये संख्या क्या है, 1001 क्या है, सात से डिविजिबल है, अतः यह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कुछ है, 2018 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न देखिए कितना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले डेसिमल को लेकर के देखें, डेसिमल मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई में डेसिमल हमारे क्या हो जाते हैं, दो अंकों के बाद जितना अंक रहता है उसका क्या होता है, ऐड होकर के लगता है, यानी कि एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर भी है, एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर भी है, यानी कि दो अंक के बाद डेसिमल हमारा आंसर में, दो अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि आप लोग सबसे पहले ध्यान दें कि हमारे पास इस ऑप्शन में एक अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसे ऐसे अगर ना देखें नहीं तो फिर गलतियां हो सकती हैं, पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 यानी कि 0, और 6 हमारे पास क्या आ जाएगा,
हासिल आ जाएगा। और 12 12 5 60, 60 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 66, यानी कि हमारे पास फिर से हासिल कितना आ जाएगा 6, और 12 91 12, अब 12 6 18, यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कि डेसिमल की बात आती है, डेसिमल जब गुणा रहता है तो हमारे पास जितने अंक में गुणा करने की बात डेसिमल आते हैं वो सब के सब डेसिमल कितने होकर के ऐड होकर के उतने अंक के बाद डेसिमल लगते हैं, यानी कि एक अंक के बाद यहाँ पर भी एक अंक के यहाँ पर भी गुणा किया जा रहा है, यानी कि डेसिमल दो अंकों के बाद लगेगा, यानी कि 18.60। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 18.60 ऑप्शन बी, बी में आ रहा है, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आइए ये चीज़ें भी आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, और ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई है तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, यानी कि ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 8 से ये क्वेश्चन ये कट रहा है, 8 7 56, 11 11 3 33, यानी कि 7/3 हमारे पास आ रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न में 7 3 2 6 6 और 1 7, यानी कि 3, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बेटा मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 2 से 1/3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचता है, और आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे पास समय है, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बना के रखें जिससे कि आगे आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, जैसे ही वैकेंसी आती है और आप लोग उसके एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या हो रेडी रहें। और हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे, और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।